मानपुर राज्य के राजा की दो बेटियां थी। पहली बेटी शहाना उनकी पहली पत्नी की बेटी थी और दूसरी बेटी आहाना उनकी दूसरी पत्नी की बेटी थी। राजा की पहली पत्नी की मौत लंबी बीमारी के बाद हो गई थी। अपनी पहली पत्नी के जाने के बाद राजा मानवती से दूसरी शादी कर लेता है। एक दिन की बात है, मानवती सुबह सुबह राजकुमारी आहाना के कमरे में जाती है। राजकुमारी आहाना, उठ जाओ, दासी ने तुम्हारे लिए नाश्ता लगा दिया है। ठीक है रानी माँ, वैसे शहाना दीदी नजर नहीं आ रही है। आँख खुली नहीं और दीदी दीदी करने लगी, ना जाने क्यों हर रोज सुबह सुबह मनहूस का नाम ले लेती है। रानी माँ, दीदी मनहूस नहीं है, वो तो बहुत अच्छी और दयालु है। वो मेरा बहुत ख्याल रखती है। मुझे जब भी किसी चीज की आवश्यकता होती है तो मैं आपसे पहले दीदी को बोलती हूँ और वो दौड़ कर मेरी आवश्यकता पूरी करने आती है। तुम अभी नहीं जानती हो, ये लड़की पैदा होते ही अपनी माँ को खा गई थी। मैं अच्छे से जानती हूँ, दीदी की माँ बीमारी की वजह से गई थी, ना कि दीदी की वजह से। तुम जानती हो, तुम्हारे पिताजी भी इस लड़की को बिल्कुल पसंद नहीं करते। अब ऐसे ही तो कोई अपनी बेटी से नफरत नहीं करता है ना? हम दोनों उससे दूर रहते हैं, तुम भी उससे दूर रहा करो। मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि आप सब दीदी से बेवजह नफरत करते हैं। वो बहुत अच्छी हैं। रही बात दूर रहने की, तो मैं और दीदी एक ही पिता के संतान हैं। हम दोनों दूर कैसे रह सकते हैं? मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? तभी मानवती की नज़र दरवाजे पर खड़ी राजकुमारी शहाना पर जाती है। वो गुस्से से शहाना के पास जाती है। शहाना, तू यहाँ क्या कर रही है? तुझे मैंने कितनी बार बोला है अपने कक्ष से बाहर मत निकला कर। अब अगर तू कभी बिना पूछे अपने कक्ष से बाहर निकली तो तेरी बहुत पिटाई करूंगी। और हाँ, मैं तो अपनी बेटी को समझा कर थक गई हूँ, लेकिन तुझे चेतावनी दे रही हूँ, मेरी बेटी से दूर रहना। मैं नहीं चाहती कि तेरा काला साया मेरी फूल सी बच्ची पर जाए। ठीक है रानी माँ, मैं अपने कक्ष में जा रही हूँ। मैं एक जगह बैठे बैठे बहुत परेशान हो जाती हूँ, इसलिए कभी कभी बाहर निकल जाती हूँ। उसके बाद दुखी मन से राजकुमारी शहाना अपने कक्ष में चली जाती है। कुछ दिन बीत जाते हैं। राजकुमारी शहाना अपने कक्ष के खिड़की पर खड़ी थी, तभी उसकी नज़र आसमान में उड़ती हुई एक परी पर जाती है। परी भी राजकुमारी को देखती है और वो उड़ते हुए राजकुमारी के कक्ष में आ जाती है। तुम कौन हो? मैंने तुम्हें आसमान में उड़ते हुए देखा। मैं परी हूँ और परियाँ आसमान में उड़ सकती है। मैंने तुम्हें अपनी तरफ देखते हुए देखा, लेकिन तुम मुझे बहुत निराश लग रही हो। हाँ, जब से मेरी माँ गई है उनके साथ साथ मेरी खुशियाँ भी चली गई। उस दिन के बाद से सब मेरे से नफरत करने लगे। मैं तुम्हारे जीवन में खुशियों के रंग भर दूंगी। मुझे तो यहाँ लोग मनहूस समझते हैं, हमेशा इसी कक्ष में कैद रहती हूँ। राजकुमारी होकर भी दासी से बदतर जीवन है मेरा। तुम मनहूस नहीं बल्कि सबका हित चाहने वाली हो। तुम अपने जीवन से बहुत परेशान हो गई हो ना? हाँ, मैं अपने जीवन से बहुत परेशान हो गई हूँ। ये लो मेरी अंगूठी, यह हमेशा तुम्हारी मदद करेगी। तुम्हारी रक्षा करने के साथ साथ ये अंगूठी हर कदम पर तुम्हारा साथ देगी। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुम कई दिनों से इस कक्ष से बाहर नहीं निकली हो, चलो मैं तुम्हें बाहर की सैर करवाती हूँ। मैं तुम्हारी तरह उड़ नहीं सकती हूँ, तुम्हारे पास पंख है। मैं तुम्हें भी अपनी तरह पंख दूंगी, अब तुम भी उड़ पाओगी। अगले ही पल राजकुमारी शहाना के पास भी परी की तरह पंख आ जाते हैं। राजकुमारी शहाना बहुत खुश होती है। उसके बाद दोनों एक साथ आसमान की सैर करते हैं। बाहर का नज़ारा देखकर राजकुमारी शहाना बहुत खुश होती है। अद्भुत, बाहर का नज़ारा इतना खूबसूरत हो सकता है, मैंने कभी भी नहीं सोचा था। पहाड़, नदी, तालाब, पेड़, फूल, ये सब कितने खूबसूरत हैं। आज मुझे पहली बार आज़ादी का अनुभव हो रहा है। जब भी तुम्हें मेरी याद आए तो मेरी अंगूठी को छू देना, मैं उसी वक्त तुम्हारे पास आ जाऊंगी। उसके बाद हम दोनों साथ में सैर करेंगे। इस तरह दोनों बातें कर करके घूम रहे थे, तभी जोर से बारिश आने लगती है और परी देखती है कि एक चिड़िया का घोंसला तेज बारिश की वजह से तहस नहस हो रहा है। परी चिड़िया का घोंसला उठाती है और उसे किसी सुरक्षित जगह रख देती है। ये सब देखकर राजकुमारी परी से कहती है, परी तुमने चिड़िया के घोंसले की देखभाल की, तुम बहुत अच्छी हो, मुझे तुमसे बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। हाँ, वैसे बारिश तेज हो रही है, मुझे परी लोग और तुम्हें अपने महल में जाना चाहिए। चलो मैं तुम्हें तुम्हारे कक्ष तक छोड़ देती हूँ।
उसके बाद परी राजकुमारी को उसके कक्ष में छोड़ देती है। उसी वक्त परी भी अपने परीलोक चली जाती है। परी के जाते ही राजकुमारी के पंख गायब हो जाते हैं। परी के जाते ही उनके दिए हुए पंख भी गायब हो गए। अच्छा, यानी जब तक परी रहेंगी तब तक ही मैं आसमान की सैर कर सकती हूँ। परी को अपनी दोस्त बनाकर मैं बहुत खुश हूँ। उस दिन से राजकुमारी शहाना बहुत खुश रहने लगी। उसकी खुशी देखकर मानवती बहुत हैरान थी। मैं तो मनहूस को अपने कक्ष से बाहर भी नहीं निकलने देती हूँ। पहले यही सब इसे चुपता था और आजकल इतनी खुश कैसे रहने लगी है? इसकी खुशी देखकर मुझे गुस्सा आ रहा है। मानवती ये सोच ही रही थी तभी राजकुमारी अहाना उसके पास आती है। रानी माँ, मैं अपनी सहेलियों के साथ जंगल जा रही हूँ। जंगल? लेकिन वहाँ तो खतरा रहता है। रानी माँ, राजा की बेटी को किस बात का खतरा? हाँ, तुम सही कह रही हो। जाओ, लेकिन अंधेरा होने से पहले वापस आ जाना। उसके बाद राजकुमारी अहाना अपने दोस्तों के साथ जंगल चली जाती है। राजकुमारी अहाना और उसके सहेलियों को जंगल में एक गुफा नजर आता है। चलो हम सब गुफा के अंदर चलते हैं। नहीं, हम नहीं जाएंगे, हमें डर लग रहा है। तुमने सुना नहीं है क्या, गुफा में डायन रहती है। इन सब कहानियों को सच कब से मानने लगी हो? तुम सबको नहीं जाना है तो मत जाओ, इसी तरह डर कर रहो, लेकिन मैं तो जाऊंगी। इतना बोलकर राजकुमारी अहाना गुफा के अंदर चली जाती है। उस गुफा में बहुत खतरनाक डायन रहती थी। वो राजकुमारी की तरफ देखती है। आज मेरी गुफा में शिकार खुद चल कर आया है। तुम्हें क्या लगता है, तुम मेरा कुछ बिगाड़ पाओगी? मैं यहाँ की राजकुमारी हूँ। होगी तुम इस गांव की राजकुमारी। मेरे गुफा में आने के बाद तो मेरे शिकार बन चुकी हो। उसके बाद डायन अपना काला जादू करती है और राजकुमारी अहाना को रस्सी से बांध देती है। राजकुमारी अहाना बहुत कोशिश करती है लेकिन वो डायन की रस्सी से नहीं निकल पाती है। थोड़ी देर बाद अंधेरा हो जाता है और रात हो जाती है। राजकुमारी अहाना के महल नहीं पहुंचने की वजह से रानी, राजा और राजकुमारी शहाना बहुत परेशान हो जाती है। रानी माँ, अहाना आपको बता कर गई होगी? हाँ, वो जंगल गई है। मेरी गलती है, मुझे अपनी बेटी को जंगल भेजना ही नहीं चाहिए था। पता नहीं मेरी बच्ची किस हालत में होगी। रानी माँ, आप परेशान मत होइए। अगली सुबह की किरण निकलने से पहले पहले मैं अपनी बहन को सही सलामत ले आऊंगी। उसके बाद राजकुमारी शहाना अपने कमरे में जाती है और परी की दी हुई अंगूठी को छूकर परी को याद करती है। अगले ही पल परी वहाँ प्रकट हो जाती है। क्या हुआ, तुम बहुत परेशान लग रही हो? मेरी छोटी बहन राजकुमारी अहाना अपनी सहेलियों के साथ जंगल गई थी। उसकी सहेलियां तो वापस आ गईं, लेकिन वो अभी तक वापस नहीं आई है। मैं उनकी सहेलियों से पूछ रही हूँ लेकिन वो सब कुछ नहीं बता रही हैं। मुझे अपनी छोटी बहन की बहुत चिंता हो रही है। चलो चलो मेरे साथ, हम दोनों जंगल चलते हैं। उसके बाद दोनों आसमान की तरफ से जंगल जाती है। परी अपनी शक्ति से राजकुमारी अहाना के बारे में पता लगा लेती है। उसके बाद दोनों डायन की गुफा में जाते हैं। अहाना, मेरी बहन। दीदी, मुझे इस डायन से बचा लो। डायन, तुम राजकुमारी अहाना को छोड़ दो। ए परी, तू अभी मेरी शक्तियों को नहीं जानती है। मैं तुम तीनों की गर्दन काट दूंगी। इतना बोलकर डायन अपनी तलवार उठाती है और दोनों की तरफ बढ़ती है। परी डटकर डायन का सामना करती है। परी की अभूतपूर्व शक्तियों की वजह से डायन हार जाती है और परी के सामने हाथ जोड़कर बैठ जाती है। परी डायन को बहुत छोटा कर देती है और उसे अपने साथ परीलोक लेकर चली जाती है। उसके बाद राजकुमारी शहाना और राजकुमारी अहाना महल आ जाती है। रानी माँ, आप दीदी से नफरत करती हो ना, लेकिन आज दीदी की वजह से मेरी जान बची है। अगर दीदी की दोस्ती परी से नहीं होती तो आज कोई मेरी जान नहीं बचा पाता। शहाना, आज तुमने बहुत बड़ा काम किया है। अब मेरे मन से हमेशा के लिए तुम्हारे लिए नफरत मिट गई है। अब मेरे लिए तुम दोनों एक समान हो। मुझे मेरे बुरे व्यवहार के लिए माफ कर दो। राजा भी अपनी प्यारी बिटिया के सर पर हाथ सहलाता है। इस तरह राजकुमारी शहाना के जीवन में सब कुछ ठीक हो जाता है और अब वो एक हंसी खुशी जीवन व्यतीत करने लगती है। गरीब बहनों की जादुई चक्की। ये कहानी शिल्पा और उसकी छोटी बहन करीना की है। शिल्पा और करीना का एक दूसरे के अलावा इस दुनिया में और कोई नहीं था। वो दोनों एक पुरानी झोपड़पट्टी में जैसे तैसे गरीबी में अपना जीवन काट रहे थे।
घर में सामान के नाम पर एक छोटी सी खाट, मिट्टी का मटका और बहुत पुरानी चक्की थी। कुछ समय पहले ही उन दोनों की माँ देवकी इस दुनिया को अलविदा कहकर चली गई थी। देवकी एक घर में झाड़ू पोछा का काम किया करती थी। देवकी के मर जाने के बाद शिल्पा ने वहाँ जाकर काम करना शुरू कर दिया। शिल्पा वहाँ जाकर वो सारे काम करती थी जो उसकी माँ किया करती थी, लेकिन फिर भी उसकी तेज तरार मालकिन ने उसकी पगार आधी कर दी थी। छोटी बहन की भूख मिटाने के लिए वो अनाथ बच्ची अपने बड़े होने का फर्ज अदा कर रही थी। एक दिन शिल्पा अपनी मालकिन से कहती है, मालकिन, मैंने घर का सारा काम कर दिया है, क्या मैं घर जा सकती हूँ? हाँ हाँ, चली जा, और सुन, जाने से पहले फ्रिज साफ कर दे और उसमें जो भी खराब सब्जियाँ होंगी उन्हें कूड़ेदान में फेंक दियो। ठीक है मालकिन। ऐसा कहकर शिल्पा फ्रिज साफ करने चली जाती है। वो जैसे ही फ्रिज खोलती है, देखती है कि फ्रिज के अंदर ढेर सारे बासी चावल रखे हुए हैं और कुछ गले हुए टमाटर और धनिया रखे हुए हैं। शिल्पा अपने मन में सोचती है, मालकिन ने ये सब फेंकने के लिए कहा है। एक काम करती हूँ, इन्हें अपने घर ले जाती हूँ, आज रात के खाने का जुगाड़ हो जाएगा। ये सोचकर शिल्पा फ्रिज साफ करने के बाद वो बासी चावल और गले हुए टमाटर और धनिया लेकर घर आ जाती है। घर आने पर उसकी छोटी बहन करीना भूख से मचलते हुए कहती है, दीदी आप आ गई, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, मुझे जल्दी से खाना दो ना। थोड़ी देर रुको करीना, मैं तुम्हारे लिए फटाफट धनिया और टमाटर की चटनी बना देती हूँ, और साथ में चावल है, तुम चटनी के साथ चावल खा लेना। शिल्पा जल्दी से टमाटर और धनिया साफ करके चटनी पीस देती है, जिसके बाद दोनों बहनें साथ मिलकर खाना खाते हैं। तभी करीना कहती है, दीदी आपके हाथों में तो बिल्कुल माँ जैसा स्वाद है। आपको याद है, माँ भी हमारे लिए ऐसे ही धनिया और टमाटर की चटनी पीसा करती थी। भरपेट खाना खाने के बाद दोनों बहनें चैन की नींद सो जाती हैं। अगले दिन जब शिल्पा काम पर पहुंचती है, तब उसकी मालकिन पगार के नाम पर उसको 500 रुपया देते हुए कहती है, शिल्पा ये ले तेरी पगार, कल से काम पर आने की जरूरत नहीं है। लेकिन क्यों मालकिन, कुछ हुआ है क्या? मुझसे कुछ गलती हुई है क्या? अगर ऐसा है तो मुझे माफ कर दीजिए। अरे नहीं नहीं, हमारा परिवार शहर छोड़कर जा रहा है, हम लोग दूसरे शहर में शिफ्ट हो रहे हैं, इसलिए अब हमें नौकरानी की कोई जरूरत नहीं है। तू ये पैसे रख और कल से काम पर मत आना। मालकिन की ये बात सुनकर शिल्पा का चेहरा फीका पड़ जाता है। वो मालकिन के द्वारा दिए हुए पैसे मुट्ठी में भरकर घर आ जाती है। रात को शिल्पा की आंखों में बिल्कुल नींद नहीं थी, वो यही सोच रही थी कि अब क्या होगा। मालकिन ने जो 500 रुपए दिए हैं, वो तो कुछ ही दिनों में खत्म हो जाएंगे, उसके बाद हमारा क्या होगा? मुझे इन पैसों का कुछ अच्छा इस्तेमाल करना होगा। शिल्पा बहुत सोचती है, तब जाकर उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वो अगली सुबह दुकान जाकर पकोड़े बनाने का सामान खरीद लेती है और सारा सामान लेकर घर आ जाती है। इन पकोड़ों को बनाकर मैं बाजार में बेचूंगी, हाँ ये बहुत अच्छा आइडिया है। उसके बाद शिल्पा करीना की मदद से पकोड़े बनाती है और एक टोकरी में लेकर करीना के साथ वो पकोड़े बेचने चली जाती है। खस्ता और करारे पकोड़े खा लो, पकोड़े खा लो, पकोड़े। उनकी आवाज सुनकर वहाँ पर एक आदमी आता है और कहता है, अरे जरा चखाना तो, तुम्हारे पकोड़े कैसे हैं? अच्छे हुए तो 2 प्लेट लेकर जाऊंगा। शिल्पा तुरंत उस आदमी को पकोड़े देती है। पकोड़े खाने के बाद वो आदमी कहता है, छी 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 छी, कितने बेस्वाद पकोड़े हैं, पूरा मन खराब हो गया, नमक मिर्च कितनी ज्यादा डाल रखी है। दोनों अनाथ बहनें सारा दिन गांव बाजार घूमती रहती हैं। जो भी उनके पकोड़े चखता वो उन्हें झड़प कर भगा देता था। उस रात दोनों बहनें निराश होकर घर आ जाती हैं और अपने बनाए हुए पकोड़े खाकर सो जाती हैं। शिल्पा के सो जाने के बाद शिल्पा की माँ उसके सपने में आती है और कहती है, उठो मेरी बच्ची। अपनी माँ की आवाज़ सुनकर शिल्पा अपने सपने में ही उठकर बैठ जाती है और अपनी माँ को देखकर बहुत खुश होती है और कहती है, देखो ना माँ, आपके जाने के बाद हम दोनों की क्या हालत हो गई है। लाख कोशिश के बाद भी मैं अच्छे पकोड़े नहीं बना पाई। मालकिन के द्वारा दिए गए सारे पैसे इन्हीं पकोड़ों में खर्च कर दिए और वो बिके भी नहीं। पता नहीं अब हम क्या करेंगे। चिंता मत करो मेरी बच्ची,
घर में जो चक्की है अब से वो सिर्फ तुम्हारी ही सुनेगा। तुम्हें बस इतना कहना है, शकला का बूम बूम जादुई चक्की जल्दी से घूम घूम। तुम्हारे ऐसा कहते ही चक्की तुम्हें ढेर सारे पकोड़े दे देगी। जादुई चक्की जो तुम्हें पकोड़े देगी उसका स्वाद बहुत अच्छा होगा। इसके बाद शिल्पा का सपना खत्म हो जाता है। जब सुबह शिल्पा की आँख खुलती है तो सूरज सर पर आ गया था। शिल्पा तुरंत चक्की के पास जाती है और चक्की से बोलती है, शकलका बूम बूम जादुई चक्की जल्दी से घूम घूम। अगले ही पल चक्की में से ढेर सारे पकोड़े निकलने शुरू हो जाते हैं, जिसके बाद दोनों बहनें उन पकोड़ों को टोकरी में लेकर बेचने निकलती हैं। पकोड़े ले लो, पकोड़े टेस्टी टेस्टी पकोड़े खा लो। तभी वहाँ पर एक औरत आती है और कहती है, अरे ओ छुटकी, जरा हमें भी तो अपने पकोड़े चखाओ। ये लो काकी, खाकर बताओ कि पकोड़े कैसे बने हैं। जैसे ही वो औरत पकोड़े खाती है तो दोनों बच्चियों की तारीफ करते हुए कहती है, अरे वाह बच्चों, ये पकोड़े तो बहुत स्वादिष्ट है, इनका तो कोई जवाब ही नहीं है। बताओ कितने पैसे हुए? बस 20 रुपए काकी। उस औरत से पैसे लेकर दोनों बच्चे आगे बढ़ जाते हैं। दिन भर में उन दोनों की अच्छी खासी बिक्री हो जाती है। सूरज ढलते ही वो घर लौट आते हैं। दीदी आज तो हमने कमाल ही कर दिया। नहीं करीना, मैंने कुछ नहीं किया, ये सब कुछ माँ के जादुई चक्की का असर है। अब शिल्पा और करीना रोजाना जादुई चक्की की मदद से खूब कमाई किया करते थे। अब गांव के सभी लोग दोनों बच्चियों के पकोड़े स्वाद लेकर खाते थे और उनकी खूब तारीफ भी करते थे। शिल्पा रोजाना जादुई चक्की से ढेर सारा पकोड़ा मांग लिया करती थी। शकलका बूम बूम मेरी जादुई चक्की तो जल्दी से घूम घूम। शिल्पा के ऐसा कहने पर जादुई चक्की मिनट से पहले वहाँ पर ढेर सारा पकोड़ा प्रकट कर देती है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जादुई चक्की। चलो करीना, हमें ग्राहकों को पकोड़े खिलाने हैं। हाँ दीदी चलो। ऐसा कहकर दोनों बहनें पकोड़े बेचने के लिए चली जाती हैं। करारे करारे पकोड़े खा लो, पकोड़े खा लो पकोड़े। उनके पकोड़ों की खुशबू से गाँव में रहने वाली कजरी भागती हुई वहाँ जाती है और कहती है, अरे ओ बच्चियों, रुको जरा और मुझे अपने पकोड़े खिलाओ। हाँ हाँ क्यों नहीं कजरी चाची, ये लीजिए खाइए पकोड़े। जैसे ही कजरी पकोड़े खाती है तो वो भी बाकी लोगों की तरह उनकी तारीफ करते हुए कहती है, अरे वाह बच्चियों, तुम्हारे हाथ में तो जादू है जादू। क्या स्वादिष्ट पकोड़े बनाए हैं, मन तो कर रहा है पूरी टोकरी खा जाऊं। ऐसा कहकर कजरी अपनी दो सहेलियों को भी बुला लेती है। फिर तीनों मिलकर शिल्पा और करीना के सारे पकोड़े खा लेती हैं और उनको ढेर सारे पैसे दे देती है। सच कहूँ पकोड़े खत्म हो गए लेकिन मन अभी भी नहीं भरा। कोई बात नहीं कजरी चाची, हम कल फिर आएंगे। हर दिन के साथ दोनों अनाथ बहनें जादुई चक्की के कारण गांव से लेकर हाट बाजार तक सुर्खियों में छा जाती हैं। धीरे धीरे उनकी कमाई फर्श से अर्श पर आ पहुँचती है और दोनों मिलकर अपनी गरीबी को मात दे देते हैं। देखो दीदी, आज हमने इतनी कम उम्र में कितना कुछ हासिल कर लिया है ना? हाँ करीना, हमारे ये शानो शौकत इस जादुई चक्की की देन है। इस तरह गरीबी से निकलने के बाद भी दोनों बच्चे अपनी सफलता का श्रेय जादुई चक्की को देते हैं और खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगते हैं।